चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसका तो ये है कि 5 वाट पावर का एक सोर्स है, लाइट का एक सोर्स है जो रेडिएशन इमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम का। कथा वेन प्लेस 0.5 मीटर, क्या प्लेस क्या रखूं भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसेटिव मेटालिक सरफेस। एक फोटो सेंसेटिव मेटालिक सरफेस है जो सोर्स से 0.5 मीटर की दूरी पर है। तो चलो पहले तो हम यहाँ सोर्स बना लेते हैं। दिस इज द सोर्स, ये लाइट का सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स है और ये मोनोक्रोमेटिक इस तरह से फोटोन रिलीज कर रहा है। ये अब यहाँ से 0.5 मीटर पर, यहाँ पर मान लो ये एक, ये डिस्टेंस सोर्स से 0.5 मीटर है और यहाँ पे मैंने एक मेटल का सरफेस रखा। जब ये फोटोन इंसिडेंट होंगे इस पर तो यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे इस सरफेस से, तो ये जो येलो कलर का है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, क्लियर है। चलो अब दूसरे केस में क्या किया, व्हेन सोर्स इज मूव 1 मीटर डिस्टेंस, मतलब प्लेट मेटल और सोर्स के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाए, मतलब डिस्टेंस मैं डबल कर दूँ, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, तो 1 मीटर का डिस्टेंस कर दूं, तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हो सकता है बाहर आ रहे हैं, तो कहता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड कितना फैक्टर कम होगा। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसे है, सरफेस ऐसे है तो यहाँ फोटॉन्स ज़्यादा हैं, सोर्स के पास है ना, तो फोटॉन डेंसिटी या फोटॉन फ्लक्स आप पड़े होंगे या फोटॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट ज़्यादा बनेगा। अब मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट सरफेस पे कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कम बाहर आएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक कम बनेगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी यहाँ से यहाँ करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ चेंज करने में इंटेंसिटी फोटॉन्स की घटेगी, ये बात क्लियर है। चलो तो यहाँ से हम सबको पता है कि इंटेंसिटी जो डिफाइन है, दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और एनर्जी पर यूनिट एरिया वर्क ही है यार, एनर्जी पर यूनिट एरिया वर्क है, और वर्क डन पर यूनिट टाइम दैट इज पावर और एरिया, तो इंटेंसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझने की कोशिश करना। अब ये जो सोर्स है इसका पावर पी है, तो मैं आर डिस्टेंस पर पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी डिफाइन करता हूँ 4πr², दिस इज द इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स। अगर हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स है तो आर डिस्टेंस पर कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया इंसिडेंट हो रही पर सेकेंड, वो ये इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². अब मैं इंटेंसिटी ही क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे निकालना तो कुछ और है भाई, इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं हमें उनके बारे में पता करना है, तो हम अगर उनके बारे में पता तभी कर सकते हैं जब उस पर जो फोटोन की इंटेंसिटी, सरफेस पे जो फोटोन पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट है वो डायरेक्ट रिलेटेड है यार। तो चलो तो यहाँ से इंटेंसिटी I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1, मतलब तो यहाँ से R2 पहले केस में जो है R2² R2 कितना है 1 और ये 0.5 है और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा और ये 2 times का² मतलब ये आ जाएगा 4। तो इंटेंसिटी I2 इज इक्वल टू I1 का 4 times, मतलब जो फोटोन की जो इंटेंसिटी है इस सरफेस पे जो फोटोन पड़ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कितने टाइम्स इस पे कम हो गई, 4 times कम हो गई। तो जब इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसी रेशियो में डिक्रीज हो गए होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड 4 times, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड 4 times फैक्टर, ठीक है 1/4 फैक्टर, मतलब 1/4 times कम हो गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ, इस रिजल्ट को याद रखो, आप पढ़े होगे कि फोटो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, और जो करेंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, दैट इज NE/T पर सेकेंड के लिए बात करोगे तो करेंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी फोटोन की पड़ेगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, उतना ज्यादा करंट होगा। मतलब फोटॉन्स की इंटेंसिटी जनरेटेड करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। चलो